टुडे वी आर इन कील कैंपस ऑफ यॉर्क यूनिवर्सिटी. आज हम इस यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या क्या चल रहा है, पूरा इन डेप्थ जो नया इनटेक आने वाला है उसके लिए. वेलकम. सो ये सबवे स्टेशन है यॉर्क यूनिवर्सिटी का. Very, very big and very nice, very huge. यहाँ बाइक रैक्स हैं निकलते ही. ये इसका बाहर का व्यू है. Made it very nice. और बहुत एक्सेस पूरे शहर से इससे बनी हुई है. सो जैसे ही हम टोरंटो आर ये यॉर्क यूनिवर्सिटी का बुक स्टोर है और इसके अलावा सारी यॉर्क मर्केंडाइज भी यहाँ पे मिलती है. एंड दिस इज वी आर एंटरिंग यॉर्क लेन्स. ये एक शॉपर्स ड्रग मार्ट है जहाँ पे आपको दवाइयों के साथ कॉस्मेटिक्स और बहुत सारा सामान मिलता है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स. एंड दिस इज यॉर्क लेन्स. This is where you can find all the stores like Aroma, Shoppers Drug Mart, and Indian stores and Japanese stores, stores of every culture, and you can find everything here. And it could be in the meal plan. और stores नहीं है, restaurants हैं. यहाँ पे Photoshop भी है for photo लेने के लिए, प्रिंटिंग के लिए. द ग्रेट कैनेडियन बेगल, अ लॉट ऑफ ईटरीज. ये अल्टरना की ब्रांच है और ये है फेवरेट हमारा हॉन्ट चेस्का. ये यहाँ का मेडिकल सेंटर है जहाँ पे हर टाइम आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफिस आवर्स में डॉक्टर नर्स सब मिल. यहाँ पे डेंटल ऑफिस भी है, सलोन एंड स्पा भी है, ऑल बबल टी भी है. ओके. वहाँ पे जाके मैक्सिकन ईटरी भी है, टिम्बर्स भी है. टिम्बर्स एक स्टूडेंट बार है जहाँ पे यू कैन गेट अ कॉकटेल इन $5. एंड आई हैव ट्राइड इट, इट्स बहुत बढ़िया. इनकी कॉकटेल्स हैं. ये ऑप्टिशन ऑफिस भी है, बैंक की ब्रांच भी है, बड़ी ब्रांच है. दिस इज टिम्बर्स. ये बहुत बढ़िया इनका बार है. वी हैव ट्राइड फूड हियर, फूड इज ऑसम एंड कॉकटेल्स आर सुपर ऑसम. पीटर लैंड, हर टाइप का, हर कंट्री का टाइप का फूड है. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कभी भी अपने घर का खाना याद करने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे. फॉर श्योर, फॉर श्योर. अब हम यॉर्क लेन से एग्जिट करके किस तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सेकंड स्टूडेंट
इवेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे होली का भी इवेंट हुआ था यहाँ होली इवेंट हुआ था, टिकेटेड इवेंट था बट बहुत अच्छा। होली के टाइम कलर्स खेले गए, होली का खाना, म्यूजिक, ढोल एंड ऑल। अब हम जा रहे हैं सेकंड स्टूडेंट सेंटर। यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ पे आपको सारे चीज़ें मिलती हैं, ये स्टूडेंट सेंटर है। छोटी और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट काफी सारे ब्रांड्स का ईट्रीज है, वेंडीज है, जिमी द ग्रीक है। द ब्रेक रूम विच इज क्लोज राइट नाउ, वो अभी वो बंद है बट वहाँ पे वो भी एक स्टूडेंट रन बार है, वहाँ पे बहुत सारे गेम्स है, आर्केड है और अभी बंद है। और ये ऊपर क्रेच है बच्चों के लिए, कैंपस चिल्ड्रन, तो जो स्टूडेंट्स आर विद किड्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के जो किड्स होते हैं उनके लिए ये क्रेच है बच्चों का। पीछे की तरफ यहाँ से जब निकलेंगे सेकंड स्टूडेंट सेंटर से, हाँ, तो स्टेडमिन लेक्चर हॉल्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पे बैठने की अच्छी सी जगह है, वन यू वॉक स्ट्रेट यहाँ से तो आपको एक्विलेड वेस्ट मिलेगा। यहाँ पे कैसे लोग खड़े हैं, ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं? ये डोनर्स की स्टैचू लगी, ये दोनों डोनर्स रहे हैं यहाँ के। और ये बिहेवियरल साइंस बिल्डिंग है, यहाँ पे सारे साइकोलॉजी और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं। ऑसम क्लासेस और रिसर्च और प्रोफेसर यहाँ पे सब उनके ऑफिस हैं इस बिल्डिंग। ये पूरा कैंपस का मैप लगा है, वेयर आर वी, वी आर हियर कैंपस वॉक, बीचों बीच में है हम लोग। Wow, what is this? Dort Lions. This is where all the games are conducted. This is where I used to work. Summer mein bhi hamesha yahan pe they rent out the stadium to local teams as well. Jaise local football teams, local soccer teams. Jo yahan pe khud ke
Now we are going to enter the stadium. यहाँ पे अभी भी प्रैक्टिस चल रही है. चार्जेस फॉर दैट उसके पैसे लगते हैं. हाँ लेकिन वो बहुत सस्ता है. ओके. उस तरफ क्या है? इस तरफ डॉक वाला का जो अभी दिखाया था मैंने, और सीधे जाके कैलू में रेजिडेंस भी है, और इस दिस वे यहाँ पे इसमें क्या होता है, क्लासेस होती हैं और पार्किंग है ऊपर जाके. यहाँ पे टिम्स भी है. हम कहाँ जा रहे हैं? और ये सारे रेसिडेंसेस हैं? और वो हाँ ये सारे रेसिडेंसेस हैं. हाँ. और वो सामने आपको दिखेगा सोवी स्टेडियम, वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं बहुत बड़े बड़े. और ये बिल्डिंग इज ऑल्सो रेसिडेंस. ये सारे रेसिडेंस हैं स्टूडेंट्स के. ये हम पार्किंग लॉट के टॉप फ्लोर पे आके हम सिर्फ यहाँ कैंपस का और सिटी का व्यू के लिए आए. और ये स्टेडियम है सोवी स्टेडियम. यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं कुछ कुछ मैचेस ऑफ कोर्स तो होते ही हैं कि 9 बजे. हाँ ये रात के 9 बजे का फील है इस जगह का. यार ये जो क्वाड वाली बिल्डिंग्स हैं ये ऊपर सारे स्टूडेंट रेसिडेंसेस हैं और नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं. बहुत अच्छा फील है, वाइब बहुत अच्छी है इस जगह की कि आपका पढ़ने का मन करे, आपका कुछ काम करने का मन करे. वेरी वेरी नाइस वाइब. पूरे कैंपस के अंदर हैं. इट्स बहुत हरा भरा, ग्रीन, ब्यूटीफुल. सीनियर लाइक मास्टर्स या जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए ये कॉम्प्लेक्स है बिकॉज अ लॉट ऑफ देम हैव फैमिली स्टेइंग विद देम. नियर रेसिडेंस के साथ बच्चों का प्ले एरिया, यहाँ स्कूल बसेस भी आती हैं. तो ये पूरा फैमिली के लिए जो जो उनको चाहिए होगा एवरीथिंग इज़ हेयर. John Martin Ballpark Center for Fine Arts. Now we are going into the Fine Arts building. You're going to see many different types of art pieces all around this building.
अब वी आर इनसाइड, हम लोग फाइन आर्ट्स बिल्डिंग में हैं. ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इट हैज डिफरेंट पीसेस ऑफ आर्ट एवरीवेयर. हम इसको शॉर्ट में एएमपी भी कहते हैं. यहाँ पे सारा मीडिया परफॉर्मेंस, मतलब फिल्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं यहाँ पे. और वहाँ उस तरफ यहाँ पे थिएटर्स भी हैं. कैन यू प्लीज़ टेक अस टू द थिएटर्स? There's a Starbucks भी है यहाँ पे जो कि अभी फिलहाल बंद है ये इवनिंग टाइम में. लाउंज है. ये इन्होंने थिएटर्स के लिए बिल्कुल, जैसे दिस इज अ स्टूडियो थिएटर एंड ये इसका बॉक्स ऑफिस टिकट्स. पूरा बॉक्स ऑफिस आवर्स हैं. और ये दूसरा एंट्रेंस या बोल सकते हैं दूसरी साइड का एग्जिट विच शोज सेंटर फॉर फिल्म एंड थिएटर, इसके पेट्रंस, इसके बेनिफैक्टर्स एंड स्पॉन्सर्स. यहाँ पे आपको सारे थिएटर के रिसोर्सेज मिलेंगे. आप इक्विपमेंट भी रेंट कर सकते हो. ओह दैट्स वेरी नाइस. व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट? जो भी मैं थिएटर के लिए, जो भी आपके लिए कैमरा, माइक, टेलीकॉम्स ऑल दैट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल टू रेंट. एंड इज इट एक्सपेंसिव टू रेंट इट? सो यू कैन जस्ट गेट इट, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. Okay. So will you have to book it or something like that, or you can just randomly go and take whatever equipment you want? You can take the equipment and then you have to give it back. Of course. But yeah, it's बहुत बढ़िया बात है. Because किसी चीज को सीखना अलग बात होती है, but उसको practically experience करना is something else. So ये summer term है. Usually जो उतना क्राउडेड नहीं होता है. मेन जो क्राउड होता है वो होता है किन मंथ्स, कौन से टर्म्स में होता है? इट्स वी मेनली तो फॉल में सारा नया क्राउड होता है. फॉल में ज़्यादा स्टूडेंट्स इनटेक देखने को मिलता है हमको. ये जैसे ये हॉल्स तो फॉल में भरे होंगे स्टूडेंट्स. सो अब ये जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के इस कील कैंपस का जो बीच का एरिया है, बीचों बीच में हम लोग सेंट पे, ये है वैरी हॉल. यहाँ पे आपको ग्लेंडन की शक्ल मिलेगी जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री होती है. हाँ. जो दूसरे कैंपस में जिनकी क्लासेस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. और ये बीच का एरिया फाउंटेन का, यहाँ पे यूल सी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और फेयर्स लगते हैं, फेट्स लगते हैं और क्लब लगते हैं यहाँ पे. फॉल में ज़्यादातर और दिस इज़ वेरी प्रिटी. यहाँ पे यू कैन स्टूडेंट्स रिलैक्स इन फ्री टाइम. इन मिडल ऑफ द यूनिवर्सिटी दिस इज सच अ बढ़िया प्लेस टू चिल मारो. बहुत ही बढ़िया एंड स्पेशली समर्स में इट्स रियली प्रिटी. लड़कियां बैठे हुए हैं, हर कोई चिल मार रहा है. पीपल आर डूइंग वॉक्स. Oh,
रेस्टोरेंट है, इसकी वाइब इतनी मस्त है और फूड तो सुपर मस्त है, सुपर डुपर मस्त।